500 लिपिकों की नौकरी खतरे में, गड़बड़ी मिली तो 7 दिन में हटेंगे, बिना दस्तावेजों की जांच कराए 2020 से कर रहे नौकरी। वर्ष 2020 में भर्ती हुए 500 के करीब लिपिकों की नौकरी पर संकट आ गया है दोस्तों। हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग के सुपरिटेंडेंट ने सभी विभागों बोर्डों निगमों के प्रमुखों को पत्र जारी कर इन लिपिकों द्वारा भर्ती के समय दिए गए दस्तावेजों का विवरण मांगा है। साथ ही कर्मचारी चयन आयोग को जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं और कहा है कि अगर दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी मिलती है तो 7 दिन में लिपिकों को हटा दिया जाए। दरअसल 2020 में सरकार ने 4,798 लिपिक भर्ती किए थे। इस भर्ती को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 प्रश्नों को गलत ठहराते हुए फिर से परिणाम जारी करने को कहा। 2022 में दोबारा परिणाम आया तो 646 लिपिक अपने कागजात की जांच करवाने के लिए नहीं पहुंचे। इनमें से कुछ एक ने तो दूसरे विभागों में दूसरे पदों पर ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन 500 से अधिक लिपिक अब भी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। इनमें से कुछ लिपिकों को न्यायालय से यथास्थिति प्राप्त है। इन्हीं लिपिकों में कार्यरत एम लिपिक एसोसिएशन के महामंत्री जगदीश फौजी ने बताया है कि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जिन लिपिकों को न्यायालय से सीधा उनके नाम से स्थगनादेश प्राप्त नहीं है, उन्हें पदोन्नति व अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उनकी उम्मीदवारी पर भी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फैसला लेगा। यदि उम्मीदवारी सही नहीं पाई जाती है तो उनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। हर संभव स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, एसोसिएशन ने कहा। लिपिक एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत ने कहा है कि सरकार के फैसले के बारे में पता चला है, कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श कर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। एसोसिएशन लिपिकों के साथ है, उनके लिए हर संभव स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी।